society in some causes. The causes like cancer patients and then like domestic violence, like safe girl child, and some others also. What did you say about it? And about Rajit Kaur also, who is the organizer? Yeah, she's our CEO. Yeah, she is one of the she's most inspiration. हमें बहुत ताकत देती है वो. Because of only her, because of Aiwa, जो भी हूँ मैं अभी, because of only Aiwa, I would say. Aiwa है, दलजीत है. दलजीत कौर. Thank you. इस बात को लेकर किस कैटेगरी में है, क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में जानना चाहूँगा. इस बार का जो मिस और मिसेज है ये थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इस बार हम कैंसर अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं और आज हमें टाटा मेमोरियल वालों ने बुलाया था. वहाँ के हमारे कंटेस्टेंट्स को उन्होंने ग्रूमिंग दिया है कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए वो अपने अपने शहरों में जाके अवेयरनेस कैसे करें. बिकॉज़ ब्यूटी पैजेंट का मतलब सिर्फ क्राउन नहीं होता है, ब्यूटी पैजेंट का मतलब है अम्बेसडर बनाना और सोसाइटी के लिए कुछ करना. क्योंकि तो एक आम आदमी जब बोलता है तो लोग नहीं सुनते, लेकिन जब एक क्राउन पहनकर कोई बोलता है तो लोग थोड़ा सीरियसली उसको लेते हैं. तो इसी वजह से आज हमें कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल में गए, मेरे कंटेस्टेंट्स को मैंने वहाँ के पेशेंट से मिलाया, तो उनका दिल बहुत सॉफ्ट हुआ. तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए फ़ंड रेज करेंगे अपने अपने शहरों में, टाटा मेमोरियल में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए वो इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे. ये भी जानना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से आप इस तरह के इवेंट्स करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा बड़ा विजन है आगे के लिए और अभी तक जो भी करा है कितना सेटिस्फाइड है, कितनी खुशी मिलती है कि एक सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट करती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हैं आप. मेरा ब्यूटी पैजेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग ही है, बिकॉज मैं सोसाइटी में कुछ चेंज लाने के लिए करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि औरतों के अंदर जो छिपी हुई चीज़ें हैं, जो छिपी हुए टैलेंट है वो निकले और उसको पॉजिटिविटी की तरफ घुमा करके हम कुछ सोसाइटी को रिटर्न वापस करें, ना कि क्राउन बेचना और क्राउन से सम्मानित करना. बट येस, द आईवा इज इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन. माई एम इज़ टू क्रिएट सम अवेयरनेस इन सोसाइटी, जिसकी वजह से मैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए किया था लास्ट ईयर और इस साल कैंसर अवेयरनेस के लिए कर रही हूँ. और हम साथ में हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो कि आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत ही सब्जेक्ट है जिसकी वजह से या तो मर जाओ या बचा लो, ये धरती को बचाना हमारे ही हाथ में है. तो इन लड़कियों को हम उसकी भी ट्रेनिंग देने के लिए आज विकास मात्रे जी के ऑफिस गए थे, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ लोगों को एम्बेसडर्स बनाया है. ये जो ट्रम्पेट इसका नाम जो सपोर्ट कर रहा है इस वेंचर में, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है, कैसा फील कर रहे हैं आप? ट्रम्पेट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी पॉजिटिव एटमोसफियर. हमने इनसे बोला कि हमारे कंटेस्टेंट्स बाहर से आ रहे हैं तो उनका थोड़ा सा वेलकम करो, एंड दे हैव गिवन अस अ वेरी ग्रैंड वेलकम. हमें मनीषा बंगलो में हमने कहा कि हमें शूटिंग की स्पेस चाहिए, तो उन्होंने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हमारे लिए. और हमने रॉयल पाम से बात किया तो उन्होंने भी हमारे लिए बहुत ही रीज़नेबल पैकेज बना के दिया, बिकॉज हम कंटेस्टेंट से चार्ज बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत रीज़नेबल सिर्फ उनके स्टे का. तो इसलिए हमें कॉस्ट मैन्युफैक्चर करना बहुत प्रॉब्लम होता है. और स्पॉन्सरशिप बाटर में यस, बहुत लोगों ने इस बार सपोर्ट किया है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार का मेरा इवेंट बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया. अशोक शेखर जी ने सपोर्ट किया है एंड जिस जिस के पास भी मैं गई हूँ उन्होंने सपोर्ट किया है. बट यस, ये ज़रूर चाहती थी कि कुछ कैंसर के जो सर्वाइवर्स हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़, वो 5 मिनट स्टेज पर आए, वो पॉसिबल नहीं हुआ. बट यस, वी आर गेटिंग सम सर्वाइवर्स फ्रॉम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल.